अमेज़न ने भारत में अपनी उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रोजेक्ट क्विपर लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है। कंपनी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती इंटरनेट प्रदान करना है। कोटा राजस्थान की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के आरोपी उसके पिता को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। बकौल कोर्ट, ऐसा उदाहरण दानवों में भी देखने को नहीं मिलता। कोर्ट ने फैसले में रामचरितमानस की चौपाई बेटी पर कुदृष्टि रखने वाला का वध करना पाप की श्रेणी में नहीं आता का भी उल्लेख किया। तेलंगाना हर घर में पीने योग्य पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए मिशन भागीरथ शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस पहल ने केंद्र सरकार को बाद में हर घर जल कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। अमित शाह राम मंदिर के तर्ज पर बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता का दौरा करेंगे। संतोष मित्रा चौराहे पर स्थित पंडाल को राम मंदिर से मिलता जुलता आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस कदम को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में कहा, भारत की अर्थव्यवस्था में विस्तार होने से युवाओं के लिए नई संभावनाएं पैदा हो रही है और एक सर्वेक्षण के मुताबिक इस समय बेरोजगारी दर पिछले 6 वर्षों के निम्नतम स्तर पर है। बकौल पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में कोल्ड ड्रिंक पीकर एक दूसरे के मुंह में कुल्ला करते कपल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के बारे में पूछे जाने पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने कहा, अगर यात्रियों को कोई ऐसी हरकतें करते दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। एक एक्स यूजर ने कहा, कपल पर भारी जुर्माना लगना चाहिए। भागलपुर बिहार में प्रेमी संग भागी 2 बच्चों की मां को उसका प्रेमी कथित तौर पर छोड़कर फरार हो गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका प्रेमी शादी का झांसा देकर उसे भगा कर ले गया था, लेकिन अब उसे छोड़कर चला गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बुजुर्ग की मौत के बाद एक बंदर उनकी अर्थी से लिपटकर शमशान घाट तक गया, जिसका वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। बकौल रिपोर्ट्स बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किए जाने तक बंदर शमशान में ही रहा और फिर बुजुर्ग के परिजन संग लौटा। OMG 2 की रिलीज के 1 महीने बाद से अधिक समय बाद अक्षय कुमार ने अब कहा है कि यह फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई थी, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा इसे केवल वयस्कों का प्रमाण पत्र दिए जाने के कारण वे इसे नहीं देख सके। मैंने फिल्म बच्चों के लिए बनाई थी। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने समा टीवी पर एक शो के दौरान पाकिस्तान की फील्डिंग को कश्मीर के मुद्दे से जोड़ते हुए एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि सक्रिय मानसिकता रखकर टीम की खराब फील्डिंग में सुधार किया जा सकता है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई है तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी सभी नवीनतम वीडियो से ना चूकें। धन्यवाद।